नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अभी एक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक सूत्रों से खबर प्राप्त हुई है, हरियाणा सरकार इस पूरे विवाद पे अब जल्दी एक बड़ा निर्णय लेने वाली है। उस बड़ा निर्णय की प्रक्रिया में पहली भर्ती जो वो रद्द कैंसिल करेंगे वो है HCS प्री 2021। ये भर्ती रद्द करके इसे दोबारा 5 से 6 फरवरी 2022 को कराने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी इसका ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपसे शेयर करेंगे, उसी पे उसको माना जाएगा। लेकिन अभी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कुछ चीज़ें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी गई है, और वो भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस पे मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल साफ नज़रिया हो गया है कि किसी भी भर्ती को पूरा करना जिद नहीं है, लेकिन भर्ती को साफ करवाना उनकी जिद है। वो कह रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में नहीं हो तो HCS की भर्ती, जिस कारण से पहले चूज की गई है डेंटल सर्जन के साथ, 25 अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोषियों के घर पे मिले थे। 5 अभ्यर्थियों के लिए पैसे प्राप्त करने की स्वीकृति अनिल नागर और उनके सहयोगियों ने, कहते हैं, दे दी थी विजिलेंस में, जैसा कि अखबारों में आ रहा है। सूचना के स्रोत वही है। अत्यधिक ऊंची कट ऑफ का रहना इसका एक कारण बन रहा है, क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत है कि बाद में कट ऑफ में बड़े स्तर पे मार्कशीटों में हेरफेर की गई है। जैसे अभी राजस्थान का RAS प्री का रिजल्ट आया था, RAS प्री की कट ऑफ गई थी 84.50 मार्क्स, यानी इसको परसेंटेज में हम बात करें तो 42%, क्योंकि 200 नंबर का पेपर होता है वहाँ, तो 200 में से 42% वहाँ गई थी और हमारे यहाँ 70% के करीब कट ऑफ गई थी। तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ दो नियरेस्ट स्टेट में रहने की वजह से ये बड़ी सरकार के लिए चिंता की बात थी कि इतनी कट ऑफ गई है। बच्चे इंटेलिजेंट हो अच्छी बात है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये इस चीज़ का डाउट बढ़ा रही है। तो सरकार अब जो नई एजेंसी बना के, सरकार ने जैसा कहा है कि नई एजेंसी बना के वो उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, उस नई एजेंसी को कहा है भी HPSC का एटलीस्ट पेपर, HCS का पेपर उसका थोड़ा स्टैंडर्ड रखें, ताकि वो थोड़ी कट ऑफ है वो थोड़ी जस्टिफाई हो उसके। विजिलेंस ने OMR शीट के गोलों की स्याही का मिलान प्रारंभ कर दिया है, जिसमें ये लग रहा है भी गोलों में दूसरे पेन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी रिपोर्ट वो पेश कर देंगे। बार बार विजिलेंस अधिकारी जो बयान दे रहे हैं उनमें हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बारे में वो निरंतर बोल भी रहे हैं कि इन दो में पुष्टि हुई है कि लोगों ने पैसे दिए, पैसे बरामद भी किए जा सकते किए गए हैं। तो 17 से 21 दिसंबर इन 5 दिनों में 3 दिवसीय सत्र होगा हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन, और मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते वो किसी भी रूप में इन परीक्षाओं को लेके खराब हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार के प्रति जो जीरो टॉलरेंस नीति है, वो भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करने की नीति है, उससे ये संदेश आ रहा है कि पहली भर्ती जो रद्द करने की संभावना बन रही है वो HCS प्री 2021 है, क्योंकि ये अपने बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है। सिर्फ एक HCS प्री का एग्जाम हुआ है, जो 50% बच्चे अपियर हुए थे, तो उस परीक्षा को अब ये दोबारा कराने के लिए कह रहे हैं। जो संभावित डेट सूत्रों से पता चल रही है वो 5 से 6 फरवरी बसंत पंचमी के आसपास है 2022 को ये परीक्षा करवाएंगे। नई एजेंसी इसका पेपर लेगी, सारा कुछ स्टैंडर्ड रखा जाएगा, कट ऑफ भी एक इसकी इसका एक अच्छा स्तर बनाने की कोशिश है। परीक्षा रद्द करने की अवस्था में सरकार की साख में वृद्धि होगी भी, सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, मामले की लिपापोती करने की बजाय कठोर कदम उठा रही है। भर्ती प्रक्रिया में जो पर्ची खर्ची को बिल्कुल बंद करने का दावा सरकार कर रही है, उसके लिए ये चरण है वो सहयोगी प्रतीत होता है। कुल 25 भर्तियां विवाद में हैं, तो कौन सी भर्ती किस चरण में है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इनमें HCS प्री, जिसका रिजल्ट आ गया था और मेन्स अब आगे पोस्टपोन किया गया है, ये HCS प्री 2021 जो है ये सबसे पहले कैंसिल होने की प्रक्रिया में आई है। इसके कुछ शीट भी मिली है बच्चों के, OMR में भी विजिलेंस भी इस पर इंक्वायरी कर रही है, तो उम्मीद है। लेकिन जब तक आपको ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तब तक आप इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, भर्ती प्रक्रिया रहनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए? ट्विटर पे भी कुछ ग्रुप्स ने आज वो ट्वीट हैशटैग का टैग चलाया था, तो उसमें देखो उन्होंने क्या रखा, क्या उसको लेके CM साहब ने सोचा है, क्या रहा होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा के भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं, अपनी हर बात में, हर स्टेटमेंट में उनका ये वक्तव्य आता है, उनको देख के तो यही लगता है कि ये भर्ती प्रक्रिया है वो रद्द होगी और 5 या 6 फरवरी को दोबारा है। बाकी हम आपको जैसे ही ऑथेंटिक सूचना प्राप्त होगी
आपको अपडेट दे देंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहें, धन्यवाद।